ऑफ ईयर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कई लोगों के कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि हम अपने घर में नकारात्मक जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, या जो वैसे घर में बहुत ज़्यादा आपस में अनबन हो जाना या आपस में मनमुटाव हो जाना, ये सब चीज़ें जनरल चीज़ें घरों में चलती रहती हैं, तो ये सब नेगेटिव चीज़ों की वजह से होती है। मैं आपको बता दूं इसको कैसे हटाया जा सकता है, घर में पॉजिटिविटी को कैसे लाया जाए, ये वो मेन कई लोग जानना चाह रहे हैं। तो मैं ये उन लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाया है जो ये जानना चाहते हैं वाकई में अपने घर से नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल से उपाय हैं, तीन मेन उपाय हैं जो मेजर हैं, जो आपको करने ही हैं अपने घर में, बिल्कुल करिएगा। फिटकरी, आप जानते हैं फिटकरी जो है वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी ले लेती है, तो उसको एक लाल कपड़े में बांध करके अगर आप अपने घर के दरवाजे जहाँ एंटर करते हैं, आप जो मेन गेट है वो नहीं, जो सेकंड गेट जो जो अंदर जहाँ ड्राइंग रूम का हो गया या आपके साइड से गैलरी से कोई दरवाज़ा जा रहा हो, कहीं पे भी जहाँ आप एंटर करते हैं, जहाँ से आप अपने गेस्ट को बुलाते हैं, जहाँ से गेस्ट एंटर कर रहे हैं, वो आपका मेन गेट हुआ, वहाँ उस मेन गेट के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कहीं भी दरवाजे के एंट्रेंस के ऊपर के साइड में लाल कपड़े में बांध करके अगर आप फिटकरी अगर वहाँ लटका देंगे, तो आप देखिएगा नेगेटिविटी जो है वो जाएगी अपने आप। अपने आप जो जितने भी नेगेटिव, अगर कोई ऐसा जरा झगड़ा करने के पर्पज़ से आ रहा है या कुछ भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अगर आने की कोशिश कर रही है, चाहे वो इंसान के फॉर्म में हो, चाहे एक ऊर्जा के फॉर्म में हो, कुछ भी, वो आप देखेंगे वो धीमे धीमे कम होता जाएगा। हो सकता है किसी किसी घर में मैंने देखा है कि वो नीला हो जाता है कभी कभी, तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। और सेंधा नमक जो है वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी ले लेता है। सेंधा नमक भी आप अगर उसके साथ अगर उस पोटली में अगर बांध देंगे तो बहुत अच्छा है। अगर सेंधा नमक, अगर केवल सेंधा नमक ही बांध देंगे, फिटकरी अगर आप नहीं बांध रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन फिटकरी बहुत जल्दी लेती है, बहुत पावरफुल होती है, तो फिटकरी के साथ सेंधा नमक डाल के पोटली में आप उसको दरवाजे के पास एंट्रेंस में अगर उसको आप ऊपर तरफ बांध देंगे तो नेगेटिविटी जाती रहती है। उसको चेंज करते रहिए, बराबर चेंज करते रहिए। और आपका जो सेकंड है, दूसरा मैं आपको बताती हूँ, दूसरा ये है कि आप अपने घर में जो गूगल की जो गूगल होता है, अगरबत्तियाँ आती हैं गूगल की, अगर आप गूगल की अगरबत्तियाँ अगर आप या धूप बत्ती अगर आती है जो गूगल होती है, उसको गोबर के कंडे के साथ या कपूर और लौंग के साथ रोज़ शाम को अगर आप जलाते हैं, कहीं पर भी अपने आंगन में जला, आंगन में आप एक पतीला ले लीजिए मिट्टी का, अगर मिट्टी का है तो बहुत अच्छा है, किसी छोटे से दिए में करके जला लीजिए, किचन में जला लीजिए, किचन में आपको लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी कुछ फील हो रहा है, आपको ठीक से नहीं हो पा रहा है कुछ काम वहाँ पे, या जो भी आप खाना बनाते हैं वो लोग जो है कंज्यूम नहीं कर पाते उतना, कभी कभी ये भी होता है कि आपने खाना बनाया और लोगों के खाने की इच्छा ही नहीं है, और ये अक्सर होता है या बार बार रोज़ रोज़ हो रहा है कि आप जो बना रहे हैं वो लोग नहीं खा रहे हैं, तो ये ऐसा होता है, तो इस वजह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। वहाँ किचन में भी आप फिटकरी अगर रखना चाहें तो फिटकरी भी रख सकते हैं। जो दूसरा मैंने बताया है वो जलाने वाला है, गोबर कंडे नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, आप केवल लौंग कपूर ही, केवल आपको गूगल नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, लेकिन केवल लौंग कपूर का भी अगर आप जला देंगे तो भी नेगेटिविटी जाती रहती है। रोज़ शाम को आपको करना होगा नेगेटिविटी हटाने के लिए, नकारात्मक जो ऊर्जा आपके घर में रहती है उसकी वजह से। तीसरा जो महा उपाय है वो आप सब लोग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक अकेले में ही अगर आप केवल उसका पोछा लगाते हैं, आपको पोछा केवल जो है वो थर्सडे और फ्राइडे को मत लगाइएगा, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सेंधा नमक का पोछा नहीं लगाते हैं, और बाकी दिनों में आप लगा सकते हैं। सैटरडे को अगर आप लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप जॉब कर रही हैं, एक लेडी आप जॉब कर रही हैं, खुद अगर घर संभाल रही हैं, खुद ही झाड़ू पोछा करती हैं, उनके लिए भी ये बात बता दूं कि अगर आप हफ्ते भर अगर आप एटलीस्ट केवल झाड़ू लगा पा रही हैं, पोछा अगर केवल सैटरडे को सेंधा नमक का भी आप लगा देंगे तो भी बहुत अच्छा है, नेगेटिविटी उससे जाती रहती है घर में, तो घर में नमक के पोछे ज़रूर लगवाएं। और
सेंधा नमक के खास तौर से, क्योंकि हिमालयन सॉल्ट जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये तो तीन है ही हैं, सिंपल से उपाय हैं। अगर आप परचेज कर सकते हैं हिमालयन सॉल्ट, एक लैम्प आता है घर में, आप कहीं भी इलेक्ट्रिक लैम्प आता है, आप उसको जलाइए और ऐसी जगह पे जलाइए जहाँ पे लोग आते जाते रहते हो, अगेन ड्राइंग रूम में या कहीं आपके जहाँ पे आपको लगता है कि लोग आते जाते रहते हैं, गैलरी के थ्रू ज़्यादा आते हैं, जहाँ भी आपका घर का एंट्रेंस जहाँ लोग ज़्यादा आते हैं वहाँ पे आप इसको इलेक्ट्रिक लैम्प को जला दीजिए। इलेक्ट्रिक अगर नहीं ले पा रहे हैं, आपको महंगा लग रहा है, तो नॉन इलेक्ट्रिक भी आते हैं, उनको भी आप जला सकते हैं दिए के फॉर्म में। दिया बीच में उसमें रख के रखे, उसमें जगह होती है बीच में लैंप में, आप उसको दिया जला सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक लैंप जो, ये लैंप या नॉन इलेक्ट्रिक लैंप जो सेंधा नमक के हिमालयन सॉल्ट करके आते हैं, सेंधा नमक के हिमालयन सॉल्ट ओनली, तो उसको भी आप ये एक्स्ट्रा एक आप कर सकते हैं, अगर परचेज कर सकते हैं तो। नहीं तो मैंने आपको तीन उपाय बता दिए हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।